हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पेट्स लवर। फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं या पत्तियों वाले प्लांट हैं, हमारे प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहता है हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट्स को ग्रोथ तो अच्छी होगी एकदम से, बट उसके बाद रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट की मिट्टी भी जो होती है वो ख़राब हो जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र देते हुए। तो क्या करना चाहिए हमें, ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और जो हमारे किचन में फ्रेंड्स रोज़ ही निकलते हैं ऐसे छिलके सब्जियों के या फ्रूट्स के, तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है हमारे प्लांट के लिए। तो आज भी मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दूंगी फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स, अल्मांडा की देखिए और बोगनवेलिया और फ्रेंड्स ये टिकोमा, जो भी प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और आप उसको 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं, आपका प्लांट ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी होगी उस पर। तो मैं ये यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, और मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ जो फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने प्लांट्स को, तो उससे मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और ये गुड़हल पे जो छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं ये भी बड़ी बनेंगी उससे, और उसको आप 15 दिन में यूज़ कीजिए, पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी और कलियाँ झड़ेंगी भी नहीं, तो प्लांट्स ओवरऑल ग्रोथ करेगा। तो आज का फर्टिलाइज़र है ये फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 लीटर पानी लिया होगा इस डब्बे में, 1.5-2 लीटर पानी है, और ये इसमें मैंने 3 केले के छिलके और आलू के छिलके हैं थोड़े, और एक मैंने इसमें उपले या कंडा जो भी है इसका एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो ये मैं आज मैंने थोड़ा ही बनाया है, इससे पहले उपले या कंडे के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो दे चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये उपला हमारे प्लांट के लिए कितना बेस्ट है, इसका फर्टिलाइज़र अगर हम अपने प्लांट को देंगे, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK का ये अच्छा सोर्स है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप इसको ज़रूर दीजिए, 15-20 दिन में आप इसको दे सकते हैं इसका फर्टिलाइज़र बना करके। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो ये बेस्ट है उपले का फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को देना। और केले के छिलके में फ्रेंड्स, केले के छिलके में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन 6, विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है, और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। और आलू के छिलके में भी फ्रेंड्स स्टार्च है, फॉस्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, ताकि उसी से हमारे प्लांट पे ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग तो बहुत ही भर भर के होगी। तो इसको छान करके जितना मेरा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं बनाया, मैंने ज़्यादा पानी इसमें मिलाया था, छिलके कम है, तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। इसको मैं एक भाग फर्टिलाइज़र और एक भाग में पानी रखूँगी, और इसको आप फ्लावरिंग प्लांट में दीजिए, पत्तियों वाले में दीजिए, हर प्लांट में आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, अगर हम उनको अपने प्लांट्स में ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको अपने प्लांट्स में डालिए, अच्छी तरह से डालिए फ्रेंड्स। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फूड है, तो आप इसको दीजिए, और 15-20 दिन में आप इसको दे सकते हैं बनाकर। और केले के छिलके और आलू के छिलके आप सुखा कर भी, ग्राइंड करके उसका पाउडर भी 1-2 चम्मच अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो ये मैंने जितना फर्टिलाइज़र लिया उसका मैं इतना भाग इसमें 1:1 का रेशो रख के मैं इसको अपने प्लांट्स में दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे हैं, और मैं ज़्यादातर मैं छिलके वेस्ट नहीं करती हूँ, जो भी किचन में निकलता है इकट्ठे करती हूँ, या फिर ज़्यादा हो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको अच्छी तरह से धूप में सुखा करके आप ग्राइंड करके रख सकते हैं, वो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने छिलकों को वेस्ट होने से बचाने के लिए। और हाँ, अगर आपके पास कंपोस्ट बिन है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा मैं उसको कंपोस्ट बिन में ही डालूँगी। अभी मैंने कंपोस्ट बिन तैयार किया है फ्रेंड्स, क्योंकि छिलके भी अभी सर्दियों में ज़्यादा निकलेंगे, हरी पत्तियों के साग, जो भी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आएंगी पत्तों वाली, तो उनका बहुत ही जल्दी फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा, तो आप ज़रूर कंपोस्ट बिन तैयार कर लीजिए और अपने घर में ही खाद तैयार कीजिए। ये मेरा इधर अल्मांडा का प्लांट है, बहुत ही हेल्दी है, और ऊपर तक ये मैंने चढ़ा के रखा हुआ है फ्रेंड, दीवार के सहारे बहुत ही फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर, और इधर देखिए। और ये जो फर्टिलाइज़र मेरा बचा है, मैं इसको बाकी छान कर और दूसरे प्लांट में दूंगी, और जो वेस्ट बचेगा वो मैं कंपोस्ट बिन में इसको डाल दूंगी। ये देखिए, ये वेस्ट है, आप इसको फेंके मत, या तो एक दिन के लिए और आप इसी डब्बे में डालकर थोड़ा पानी डालकर और रख सकते हैं,
और फिर अगले दिन यूज़ कर सकते हैं इसको, और नहीं तो फिर ऐसे निकाल करके आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होगा फ्रेंड्स बनके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये जो बचा है ये भी मैं दूसरे प्लांट्स में दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।